नगर परिषद में साधारण सभा की मीटिंग में शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा कर सफाई का ठेका सर्वसम्मति से पास किया गया। अलवर न्यूज चैनल को सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि सफाई ठेके में करीब 60 लाख की बचत की गई है। दो वर्ष पूर्व शहर की सफाई का ठेका 11 लाख में दिया गया था, लेकिन इस बार उस बजट में कटौती कर सफाई का ठेका पास किया है, जिससे नगर परिषद को हर साल करीब 60 लाख की बचत होगी। इसके अलावा साधारण सभा में कर्मचारियों को स्थायी करने के सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। साधारण सभा में हमने एजेंडा रखा है, तो हमने जो ठेका सफाई का पास किया है उसमें उसका एजेंडा हमारे बोर्ड में रखा गया है कि सभी पार्षदों की सहमति से उसे पास कराएंगे। वैसे ठेका हमारा 11 लाख रुपए हर साल से, जो दो साल पहले 11 लाख ज़्यादा था, 71 लाख का ठेका था, और अब ठेका दिया है 60 लाख का, मतलब 11 लाख तो वैसे कम है, 10% कितने बढ़ा के देते थे वो ऐसे है, तो 125 करोड़ रुपये एक साल के ठेके में बचत नगर परिषद की है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये 125 करोड़ जनता में विकास के लिए काम आएगा। उसके बाद भी हमने सभी पार्षदों की सहमति के लिए इस बोर्ड की बैठक रखी है। एजेंडा हमारा सफाई का और ये ठेके का, और जो स्थायीकरण कर्मचारी बचे हुए हैं इनका हमने ठेका 4-5 बिंदु यही रखे हैं, जो स्थायी करने हमको सारे कुछ तो कर दिए, कुछ रह गए। एक ये एक लोग बाग ये कहते हैं कि स्थायीकरण कर्मचारियों से जो हमने यहाँ किया है तो लोग पैसे ले लेके करते हैं। एक भी कर्मचारी पूरे शहर में ये कह दे, मैंने सबको ये बोल दिया, किसी ने एक रुपया इनसे स्थायीकरण का लिया है तो वो मुझे बताएं, मैं तुरंत उसे, चाहे मैं कोई नगर परिषद में हो, किसी से एक रुपया का दाग नहीं है नगर परिषद पे। अगर ये झूठी अफवाह फैलाते हैं तो ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं।